एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप अगली बार अगले चुनाव में अपने एरिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को या फिर अपने एरिया के एमएलए को, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का क्यों ना हो, जब आप देखें कि वो हेलीकॉप्टर से आ रहा है चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए और पूरे राज्य में पूरे देश में अलग अलग एमपी एमएलए मिनिस्टर जो हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं, तो आप ये समझ जाइएगा कि वो हेलीकॉप्टर का एक घंटे का किराया 50,000 रुपये से लेकर 2,00,000 रुपये तक का होता है। तो ये उन जब अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी हमें इस बारे में नहीं मिलती कि इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास कितना ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है, वहाँ पर कहीं ना कहीं करप्शन की बदबू तो आती है ना। नेताओं की वाइट मनी का पैसा नहीं है, ये ब्लैक मनी का पैसा है, आपके और मेरे भरे गए टैक्स का पैसा है, जो हमने ये टैक्स इस देश के डेवलपमेंट के लिए भरा था, ना कि इन नेताओं के चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए जो कि वो उन हेलीकॉप्टर के फ्यूल्स पर खर्च करते हैं। तो हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर 1967 तक का जो आपको जो भी इलेक्शन देखने को मिलता है, वो सारे के सारे लोकसभा इलेक्शंस विधानसभा इलेक्शंस के साथ ही होते थे। जी हाँ, यानी कि एक वोटर जब वोट करने जाता था अपने वोटिंग बूथ या पोलिंग बूथ पर, तो वो दो वोट एक साथ देकर आता था, एक लोकसभा के लिए और दूसरा आपका विधानसभा के लिए। ना रूरल इंडिया में शायद आपको अनपढ़ लोग मिल जाएं, लेकिन वो रूरल इंडिया के लोग बेवकूफ नहीं हैं। अब बात ये आती है कि 1952 से लेकर 1967 तक अगर यहाँ पर सारे के सारे इलेक्शन विधानसभा और लोकसभा के एक साथ हो ही रहे थे, तो फिर ये डिसकंटिन्यू क्यों हो गए? डिसकंटिन्यू हो गए क्योंकि बीच में कई कई बार इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने इमरजेंसी लगाई थी। 2023 के एंड में आपको मध्य प्रदेश में दोबारा विधानसभा चुनाव देखने को मिलेंगे, फिर उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव देखने को मिलेंगे, उसके बाद 2025 में आपको फिर से दिल्ली के विधानसभा चुनाव देखने को मिल जाएंगे, और जैसे ही आप 2027 में जाएंगे आपको फिर से पंजाब गुजरात हिमाचल प्रदेश के चुनाव फिर से देखने को मिल जाएंगे। तो ज्यादातर शिकायतें इन पॉलिटिकल पार्टी से बेसिकली ये होती हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा एफर्ट और पैसा और डेडिकेशन हर साल 2 से 3 महीने सिर्फ और सिर्फ विधानसभा इलेक्शंस में ही लगा देती हैं, और जब हर 5 साल में लोकसभा इलेक्शंस आते हैं तो लोकसभा इलेक्शन से 6 महीने पहले हम लोग बेसिकली ये देखते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है इलेक्शन कैंपेन में लग जाती है। जैसे कि अप्रैल में 2024 में इलेक्शन करवाना कोई एक बहुत आसान बात नहीं है। इंडिया जैसे देश में जहां पर हमें दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा देखने को मिलती है, पॉपुलेशन के नाम पर हम दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हैं, अप्रॉक्स 150 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है इस देश की, जहां पर नई नई करके अगर हम देखें तो 100 करोड़ वोटर्स तो हमें देखने को ही मिल जाते हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है चहल एकेडमी की इन डेप्थ करंट अफेयर सीरीज में, और इस करंट अफेयर्स की सीरीज में हम करंट अफेयर्स के साथ साथ कंटेम्प्रेरी इश्यूज के भी टॉपिक्स को 360 डिग्री अप्रोच के साथ कवर करते हैं, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और भी आसान बनाएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आपके जीएस पेपर 2 के पॉलिटी और गवर्नेंस का डायरेक्ट एक लिंक टॉपिक है, एक बर्निंग टॉपिक है, जिसमें आजकल ना कि सिर्फ हमारी गवर्नमेंट अपोजिशन पार्टीज लेकिन खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कई बार बयान दे चुके हैं पिछले कुछ दिनों में पार्लियामेंट में, एंड दैट इज बेसिकली आवर वन नेशन वन इलेक्शन। देखिए, हमें पता है कि इंडिया में जो पॉलिटिक्स है वो एक आम जिंदगी का तो हिस्सा है ही, लेकिन ये जो पॉलिटिक्स का एनवायरनमेंट है या फिर पॉलिटिकल न्यूज होती है, पॉलिटिकल एनालिसिस होती है, ये बहुत सारे लोगों की हॉबी इंटरेस्ट और पैशन भी होती है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इंडिया में हर साल कोई ना कोई इलेक्शन तो होता ही रहता है। देखिए, 1992 से पहले इस देश में 2-tier गवर्नमेंट हुआ करती थी, और 1992 के बाद हमें 3-tier गवर्नमेंट देखने को मिलती है। 1992 से पहले इस देश में सिर्फ लोकसभा और विधानसभा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन हुआ करते थे, लेकिन 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के बाद पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने जब पंचायत और नगरपालिका को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 243 के अंदर जब एस्टैब्लिश किया, तो 1992 के बाद हमें यहां पर हर 5 साल में नगर पालिका और पंचायत के इलेक्शंस भी देखने को मिलते हैं। और जब मैं नगर पालिका और पंचायत इलेक्शंस की बात करता हूं तो मैं सिर्फ 2 बॉडीज की नहीं लेकिन 6 अलग अलग बॉडीज के इलेक्शन की बात करता हूं, जिसमें ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका जिसे म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं, और नगर निगम जिसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं, इन 6 बॉडीज का भी इलेक्शन होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी लेवल पे गवर्नमेंट बनकर क्यों ना आ जाए, चाहे वो बेसिकली
आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो, ये हर पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, डीएमके, एआईएडीएमके, शिवसेना एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर बेसिकली कम ध्यान देती हैं, लेकिन हर साल होने वाले इलेक्शंस पर इनके ज्यादा ध्यान होते हैं। एग्जांपल के तौर पर 2023 के एंड में आपको मध्य प्रदेश में दोबारा विधानसभा चुनाव देखने को मिलेंगे, फिर उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव देखने को मिलेंगे, उसके बाद 2025 में आपको फिर से दिल्ली के विधानसभा चुनाव देखने को मिल जाएंगे, और जैसे ही आप 2027-28 में जाएंगे आपको फिर से पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश के चुनाव फिर से देखने को मिल जाएंगे। तो ज्यादातर शिकायतें इन पॉलिटिकल पार्टी से बेसिकली ये होती हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा एफर्ट और पैसा और डेडिकेशन हर साल 2 से 3 महीने सिर्फ और सिर्फ विधानसभा इलेक्शंस में ही लगा देती हैं, और जब हर 5 साल में लोकसभा इलेक्शंस आते हैं तो लोकसभा इलेक्शन से 6 महीने पहले हम लोग बेसिकली ये देखते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है इलेक्शन कैंपेन में लग जाती है। जैसे कि अप्रैल में 2024 में जब लोकसभा इलेक्शन है तो आप देखेंगे कि इस साल दिवाली के बाद यानी कि नवंबर 2023 के बाद गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज हैं वो कम हो जाएंगी, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी का जो कैंपेन वाला मुद्दा है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। आपको संसद के अंदर भाषण कम देखने को मिलेंगे लेकिन संसद के बाहर आपको भाषण ज्यादा देखने को मिलेंगे, और यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो इंडिया की डेवलपमेंट है उसकी ग्रोथ रेट थोड़ी सी स्लो होती है। ये एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। इसके अलावा इलेक्शन करवाना कोई एक बहुत आसान बात नहीं है इंडिया जैसे देश में, जहां पर हमें दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, डायवर्सिटी इतनी ज्यादा देखने को मिलती है, पॉपुलेशन के नाम पर हम दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हैं, अप्रॉक्स 150 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है इस देश की, जहां पर नई नई करके अगर हम देखें तो 100 करोड़ वोटर्स तो हमें देखने को ही मिल जाते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि यहां पर पैसा भी बहुत ज्यादा खर्च होता है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवा रही है तो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन में 3 मेंबर्स होते हैं, लेकिन क्या वो सिर्फ 3 मेंबर्स काम कर रहे हैं? जी नहीं, उनके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स आते हैं जो इन इलेक्शंस को करवाने का काम करते हैं। वहीं जब हम लोग पंचायत नगरपालिका के इलेक्शन की बात करते हैं तो स्टेट इलेक्शन कमीशन शामिल हो जाता है, और विधानसभा और लोकसभा के चुनाव भले ही आपके सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कराए लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन उनकी मदद करता है, और हर पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने पॉलिटिकल पार्टी के फंड्स में से पैसा निकाल निकाल कर ज्यादा से ज्यादा इलेक्शन करवाती है। अब आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि हर पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन करवाने के लिए बेसिकली पैसों की जरूरत होती है, और हर पॉलिटिकल पार्टी के पास जो भी पैसा आता है उसमें पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी हमें नहीं देखने को मिलती, अकाउंटेबिलिटी हमें पूरी तरीके से नहीं देखने को मिलती। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप इलेक्शन बॉन्ड्स के नाम से समझ सकते हैं। तो जब अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी हमें इस बारे में नहीं मिलती कि इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास कितना ज्यादा पैसा कहां से आ रहा है, तो वहां पर कहीं ना कहीं करप्शन की बदबू तो आती है ना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप अगली बार अगले चुनाव में अपने एरिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को या फिर अपने एरिया के एमएलए को, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का क्यों ना हो, जब आप देखें कि वो हेलीकॉप्टर से आ रहा है चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए, और पूरे राज्य में पूरे देश में अलग अलग एमपी एमएलए मिनिस्टर जो हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं, तो आप ये समझ जाइएगा कि वो हेलीकॉप्टर का 1 घंटे का किराया 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का होता है। तो ये उन नेताओं की व्हाइट मनी का पैसा नहीं है, ये ब्लैक मनी का पैसा है, आपके और मेरे भरे गए टैक्स का पैसा है, जो हमने ये टैक्स इस देश के डेवलपमेंट के लिए भरा था, ना कि इन नेताओं के चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए जो कि वो उन हेलीकॉप्टर के फ्यूल्स पर खर्च करते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि यहां पर हर साल हमें किसी ना किसी तरीके का 3-4 अलग अलग स्टेट्स का हमें विधानसभा चुनाव देखने को मिलता है। तो जब हर साल चुनाव होंगे तो खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी भी खर्चा करती है, इलेक्शन कमीशन का भी खर्चा होता है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ जाता है, पुलिस का बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ जाता है। इसीलिए यहां पर एक सिंपल सा सॉल्यूशन निकाला गया है कि हम हर साल अलग अलग स्टेट के या फिर लोकसभा के अलग इलेक्शंस क्यों करवाएं, वन नेशन वन इलेक्शन क्यों ना करवाएं, कि जब जिस साल लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन के लिए, उसी साल हम सारे के सारे स्टेट्स के विधानसभा चुनाव एक साथ क्यों नहीं करा सकते, केंद्र सरकार और राज्य सरकार हम एक साथ क्यों नहीं चुन सकते,
क्योंकि इससे पॉलिटिकल पार्टीज का टाइम भी बचेगा, आपका और मेरा जो पैसा है जो हमने टैक्स में पे किया है वो बचेगा, करप्शन के जो बेसिकली चांसेस हैं यहां पर कम होंगे, और गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतने पर नहीं लेकिन अपने काम पर ध्यान देगी। अब जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात आज की डेट में 2023 में की जाती है तो बड़ा अटपटा सा लगता है सुनने में, लेकिन अगर आप आजादी के बाद और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंप्लीमेंटेशन के बाद का भारत का इतिहास देखें तो आपको यह समझ में आएगा कि ये पहली बार हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी 1952, 1957, 1962 और 1967 में वन नेशन वन इलेक्शन पूरी तरीके से यहां पर इंप्लीमेंटेड था, यानी कि हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर 1967 तक का जो आपको जो भी इलेक्शन देखने को मिलता है वो सारे के सारे लोकसभा इलेक्शंस विधानसभा इलेक्शंस के साथ ही होते थे। जी हाँ, यानी कि एक वोटर जब वोट करने जाता था अपने वोटिंग बूथ या पोलिंग बूथ पर तो वो दो वोट एक साथ देकर आता था, एक लोकसभा के लिए और दूसरा आपका विधानसभा के लिए। तो जो लोग ये कहते हैं बेसिकली कि वोटर्स इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसको वोट देना है किसको नहीं, जी नहीं, इंडिया का वोटर इतना समझदार पढ़ा लिखा और मैच्योर है कि उसे समझ में आ सके कि बेसिकली कौन से इलेक्शन में किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना वोट देना है और इसके मेन रीजन क्या है। कई लोग ये भी कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए इंप्लीमेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर लिटरेसी रेट थोड़ा सा इशू करता है, रूरल इंडिया में लिटरेसी रेट कम है। माना रूरल इंडिया में शायद आपको अनपढ़ लोग मिल जाएं, लेकिन वो रूरल इंडिया के लोग बेवकूफ नहीं है, समझदार है, अपना भला बुरा समझते हैं, उन्हें पता है कि कौन धर्म के नाम पर वोट मांगता है और कौन डेवलपमेंट के नाम पर वोट मांगता है। तो यहां पर जब हम लोग ये कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को इंप्लीमेंट करना है, यानी कि इलेक्शन को जो साइकिल है उसको रीस्ट्रक्चर करना है, यानी कि हम यहां पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव जो हैं उनको साथ में करवाने की बात करते हैं, प्लीज इस चीज को यहां पर फोकस करिएगा कि वन नेशन वन इलेक्शन में हम फिलहाल लोकसभा और विधानसभा पे ही फोकस कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफिशियल डिबेट्स या स्टेटमेंट्स आए हैं उसमें भी लोकसभा और विधानसभा की ही बात की गई है, किसी भी तरीके से पंचायत और नगरपालिका के इलेक्शन की यहां पर बात नहीं की है। हो सकता है कि बाद में वो ऐड हो जाए लेकिन अभी इस तरीके का कोई भी सिनेरियो हमें देखने को नहीं मिलता। अब बात ये आती है कि 1952 से लेकर 1967 तक अगर यहां पर सारे के सारे इलेक्शंस विधानसभा और लोकसभा के एक साथ हो ही रहे थे तो फिर ये डिसकंटिन्यू क्यों हो गए? डिसकंटिन्यू हो गए क्योंकि बीच में कई कई बार इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने इमरजेंसी लगाई थी, कई बार ऐसा हो गया कि कुछ स्टेट्स में सरकारें गिर गईं, 5 साल से पहले ही विधानसभा भंग हो गई और वो जो पूरा का पूरा साइकिल है वो बिगड़ गया। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कहूं स्टेट नंबर ए बी सी और डी, ये अगर चारों के चारों स्टेट्स 1962 में अपनी ये लोग सरकार इन्होंने बनाई और सभी स्टेट्स का जो बेसिकली 5 साल का टेन्योर है वो 1967 में अगर खत्म होना था तो यहां पर कई बार ऐसा हुआ कि जो स्टेट बी की गवर्नमेंट है वो 1964 में ही गिर गई, डिसॉल्व हो गई, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, या फिर वहां पर एंटी डिफेक्शन तो इस टाइम तक आया भी नहीं था, जो एमएलए हैं एमपी हैं वो बिक गए, खरीद फरोख्त हो गई, या फिर स्टेट सी का हम लोग देखते हैं कि विद इन वन ईयर 1963 में ही सरकार गिर गई, या फिर स्टेट डी का 1965 में ही सरकार गिर गई। अब जब 1963, 64, 65 में उनकी सरकार गिर गई तो अब दोबारा जब ये लोग 5 साल देखेंगे अपने नए इलेक्शंस में जो 6 महीने के अंदर होने चाहिए, भाई विधानसभा और लोकसभा जब भी डिसॉल्व हो जाती है तो 6 महीने के अंदर इलेक्शंस होते हैं, तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि फिर वो 1967 में कोई 5 साल अपना पूरा कर ही नहीं पा रहा है, जहां पर ए ने तो रूल्स के हिसाब से 1967 को अपना 5 साल पूरा कर लिया लेकिन बी ने 1964 में ही डिसॉल्व हो गया तो ये 1969 में अपना 5 साल पूरा कर रहा है, सी जो है 1968 में 5 साल पूरा कर रहा है और डी जो है यहां पर 1970 में अपना 5 साल पूरा कर रहा है। तो इमरजेंसी लगी है कई बार और यहां पर डिसॉल्व भी हो गई असेंबली टाइम से पहले, उस वजह से वो जो 5 साल का साइकिल है वो पूरी तरीके से बिगड़ गया। एग्जांपल के तौर पर 1968-69 में आसाम की असेंबली पहले डिसॉल्व हो गई, 67-68 में हरियाणा की असेंबली हो गई, 1964 में बेसिकली केरला की गवर्नमेंट चुनी गई थी लेकिन 1967 में डिसॉल्व हो गई। वैसे तो केरला का इससे अगर मैं इंटरेस्टिंग आपको केस बताऊं तो एक और रहा है कि केरला वॉज द फर्स्ट स्टेट जिसने अपनी विधानसभा चुनाव में एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट को चुना था 1957 में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, लेकिन
आपके प्यारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि केरला के लोग कांग्रेस के अलावा किसी और पॉलिटिकल पार्टी, वो भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जैसी पॉलिटिकल पार्टी को कैसे चुन सकते हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर, पहले प्राइम मिनिस्टर ने यहां पर प्रेसिडेंट रूल जो है वो इंप्लीमेंट करवा दिया। और ये बेसिकली कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। अगर आप अपनी 11th क्लास की एनसीईआरटी, माफ करिएगा, 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस की, जो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की है, तो उसमें बेसिकली आपको 1951 के बाद के जो चैप्टर्स हैं उसमें आपको कांग्रेस के जितना भी पूरा रूल बताया गया है कांग्रेस के डिक्लाइन से पहले का, उसमें ये आपको पूरा एक रेड कलर के बॉक्स में राइट हैंड साइड में पेजेस पर देखने को मिलेगा। 12th क्लास की एनसीईआरटी पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की, ध्यान से सुनिएगा, हो सके तो आप इसे चाहे तो रीचेक करने के लिए पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद 1969 में पंजाब डिसॉल्व, पंजाब की असेंबली डिसॉल्व हो गई और उत्तर प्रदेश में बेसिकली उत्तर प्रदेश की असेंबली जो है 1970 में डिसॉल्व हो गई। ये एक बेसिकली बड़ा प्रॉब्लम रहा जिसकी वजह से असेंबली पहले डिसॉल्व हो गई और वो जो साथ में चुनाव का पूरा प्रोसेस था वो पूरी तरीके से फेल हो गया। अब अगर हम लोग यहां पर प्रेजेंट सिचुएशन देखने की कोशिश करें तो जैसे कि अगर गवर्नमेंट यहां पर यह कहती है कि 2024 में जब आपके लोकसभा इलेक्शंस हो रहे हैं तो बाकी के विधानसभा जो चुनाव हैं वो 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ ही करवा दिए जाने चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें यह दिक्कत है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से कुछ महीने या कुछ साल पहले ही हम लोगों ने अलग अलग राज्यों की सरकारें चुनी है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप हरियाणा और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट का टेन्योर देखते हैं तो 2024 में ही खत्म हो रहा है। तो यानी कि आप हरियाणा और महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव आप लोकसभा चुनाव के साथ करवा सकते हैं अगर आपको इमीडिएटली इंप्लीमेंट करना है तो। लेकिन वहीं बिहार और दिल्ली की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 2025 में डिसॉल्व हो रही है। पंजाब, हिमाचल और गुजरात, वो तो अभी दो रिसेंट में ही इलेक्शन हुए तो 2027 में विधानसभा चुनाव का खत्म होगा। अब राजस्थान और एमपी जो है लोकसभा चुनाव से एक साल पहले ही वहां पर विधानसभा डिसॉल्व होने वाली है क्योंकि 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं। अब यहां पर इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए करना क्या पड़ेगा, यहां पर बेसिकली 2 या 3 हाइपोथेटिकल सिचुएशन शायद यहां पर गवर्नमेंट लेकर आ सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 2023 में जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश का विधानसभा डिसॉल्व हो रहा है क्योंकि 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे क्योंकि लास्ट इलेक्शन राजस्थान और मध्य प्रदेश में हमें बेसिकली 2018 में देखने को मिले थे, हो सकता है कि गवर्नमेंट इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक बिल लाकर आर्टिकल 368 के तहत इनका जो विधानसभा है उनका टेन्योर 1 साल बढ़ा दे, या फिर वो स्टेट जिनके बेसिकली विधानसभा का टेन्योर 2024 के बाद है उन्हें बेसिकली कहा जाए कि आप जल्दी टेन्योर खत्म कर लीजिए। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो रही है क्योंकि किसी न किसी विधानसभा या राज्य सरकार का नुकसान या फायदा होगा तभी जाकर ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है फुलफिल हो पाएगा। इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो कहा जाता है देश के लोगों और वोटर्स के लिए कि अगर आप एक साथ ही विधानसभा और लोकसभा के चुनाव करवाएंगे तो वोटर शायद यहां पर कंफ्यूज हो सकता है। जी नहीं, इसका एक बहुत अच्छा प्रूफ है 2019 का लोकसभा चुनाव, क्योंकि ओडिशा के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव हमें इस देश में एक ही बार देखने को मिले थे और एक साथ देखने को मिले थे। यानी कि 2019 में ओडिशा राज्य के वोटर्स जब अपने पोलिंग बूथ पर गए, अपने वोटिंग बूथ पर गए, तो वहां पर एक ईवीएम मशीन में पहले उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए बटन दबाया और दूसरे में उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए बटन दबाया। यानी कि वोटर्स में वो मैच्योरिटी है, पॉलिटिकल अवेयरनेस है कि ये इन दोनों इलेक्शंस को साइमल्टेनियसली यानी पैरेलली समझ पाए। और नतीजा जो निकला उड़ीसा के विधानसभा और लोकसभा चुनाव का वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग था क्योंकि उड़ीसा में एक कुछ एरिया तो ऐसे थे जहां पर सारी की सारी विधानसभा की जो सीटें हैं वो आपकी चली गई बीजेडी यानी बीजू जनता दल को, बीजू पटनायक की पॉलिटिकल पार्टी जिनके बेटे नवीन पटनायक जो अभी ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं, और उसी रीजन की सारी जो लोकसभा की सीट्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी को गई। यानी कि उड़ीसा के लोगों के दिमाग में ये बात क्लियर थी कि हमारे जो रीजनल इश्यूज हैं वो अलग हैं और उन्हें अलग पॉलिटिकल पार्टी सॉल्व कर सकती है और जो नेशनल इश्यूज हैं वो अलग हैं और वो उन्हें अलग पॉलिटिकल पार्टी सॉल्व कर सकती है। तो ओडिशा के लोगों ने अपनी वोटिंग अवेयरनेस से ये बात कहीं ना कहीं एक तरीके से पायलट प्रोजेक्ट के नाम पर प्रूफ करके ये बताई है कि लोगों में वोटिंग के लिए अवेयरनेस है। और ओडिशा कोई बहुत ज्यादा लिटरेट या पॉलिटिकल अवेयर स्टेट नहीं है, आज भी जब हम पिछड़े राज्यों की बात करते हैं तो उड़ीसा का नाम उसमें आज भी आता है क्योंकि लिटरेसी रेट वहां पर काफी कम है और पॉवर्टी भी हमें देखने को मिलती है।
लेकिन अगर इस वन नेशन वन इलेक्शन की हम लोग बात करें तो यहां पर बेसिकली वोटर टर्नआउट जो है हो सकता है कि बढ़ जाए, क्योंकि लोगों में एकदम से अवेयरनेस आ जाएगी कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों के लिए वोट देना है। या फिर सबसे बड़ी चीज, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, कि इलेक्शन एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। इलेक्शन एक्सपेंडिचर का मतलब ये है, आप कंपैरिजन से समझिए, जब पहला लोकसभा इलेक्शन हुआ था भारत का 1951-52 का, तो उस वक्त खर्चा सिर्फ 10 से 11 करोड़ आया था। लेकिन वहीं अगर आप 2014 का नरेंद्र मोदी के पहले इलेक्शन की बात करें, 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा यहां पर किया गया था। अब यहां पर बेसिकली इलेक्शन या फिर जो पोलराइजिंग इवेंट्स हैं वो भी वहां पर भी ध्यान जा सकता है कि चुनाव को या फिर वोटर्स को इन्फ्लुएंस किया जाता है, एक मुद्दे से भटका के दूसरे मुद्दे पे ले आया जाता है, ये यहां पर पूरी तरीके से खत्म हो सकता है। हाँ, लेकिन अकाउंटेबिलिटी इश्यूज यहां पर काफी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि खुद इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहेगा। देखिए, 1952 से लेकर 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन के लिए उतना टफ था नहीं, क्योंकि उस टाइम पे डाइवर्सिटी और पॉपुलेशन दोनों कम थी इंडिया की। लेकिन आज की डेट में अप्रोक्स स्पेसिफिकली अगर देखें तो 143 करोड़ पॉपुलेशन हो ही चुकी है। अप्रोक्स हम लोग 150 करोड़ तक इसको मान लेते हैं, तो 150 करोड़ लोगों के बीच में बेसिकली यहां पर वोटिंग कराना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। हो सकता है कि कुछ लेवल तक यहां पर कंफ्यूजन भी आ जाए कि रीजनल इश्यूज और नेशनल इश्यूज के बीच में लोग कंफ्यूज हो जाएं। लेकिन प्लीज समझने की कोशिश करिए, अगर आप पिछले दो लोकसभा इलेक्शंस को देखते हैं अलग अलग स्टेट के, और उन्हीं स्टेट के अगर विधानसभा चुनाव को भी देखते हैं, तो आपको ये बात क्लियरली समझ में आएगी कि लोगों के दिमाग में ये बात क्लियर है कि रीजनल मुद्दे अलग हैं, नेशनल मुद्दे अलग हैं। एग्जाम्पल के तौर पर उड़ीसा का तो मैंने एग्जाम्पल आपको 2019 का दिया ही, लेकिन आप 2019 के लोकसभा इलेक्शन और 2020 के दिल्ली के विधानसभा चुनाव को देखिए। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में दिल्ली की सातों लोकसभा सीट जो है वो बीजेपी को मिलती है, लेकिन उसके जस्ट एक साल बाद जब मोदी लहर पीक पर थी, तो दिल्ली की विधानसभा की 70 में से 63 सीट्स जो हैं वो आम आदमी पार्टी को मिलती है। वहीं अगर आप 5 साल पहले चले जाएं, तो दिल्ली में सातों की सातों सीट फिर से 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार को मिलती है लोकसभा चुनाव में, लेकिन वहीं उसके एक साल बाद 2015 में दिल्ली की विधानसभा में 70 में से 67 सीट जो है फिर से आम आदमी पार्टी के पास जाती है। वहीं अगर आप बेसिकली 2018 में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की बात करें, तो कांग्रेस को बहुमत मिल जाता है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो 29 में से 29 सीटें 2019 में मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में आपको भारतीय जनता पार्टी को यहां पर देखने को मिलती है। वैसे वो पहले 26 थी, बाद में 28 हुई, बाद में 29 हुई, क्योंकि बाद में बाय इलेक्शन हुआ था तो उसमें बीजेपी दोबारा जीती थी। यानी कि लोगों का यहां पर पूरी तरीके से डाउट क्लियर है कि रीजनल इश्यूज अलग हैं, नेशनल इश्यूज अलग हैं। और हम लोग तो सबसे पहले कर ही रहे थे वन नेशन वन इलेक्शन, आज की डेट में भी आपको साउथ अफ्रीका और स्वीडन जैसे वो देश देखने को मिलते हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन साथ में करवाते हैं। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी इज दी ओनली पॉलिटिकल पार्टी जो ये बात कर रही है, बीजेपी से पहले भी कई ऐसी रिपोर्ट्स और रिकमेंडेशन आई हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1983 में वन नेशन वन इलेक्शन पर रिपोर्ट लाई थी, या लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 1999 में यही कहा था, नीति आयोग ने रिसेंट में 2016 में यह कहा था, और हमारे एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा का भी यह कहना था कि वन नेशन वन इलेक्शन ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है और यहां पर खर्चे भी बहुत ज्यादा कम होते हैं। अब जब हम लोग बेसिकली बात करते हैं कि 1967 से के बाद वन नेशन वन इलेक्शन की जो साइकिल है पूरी तरीके से टूट गई, इसमें रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के तो टसल बहुत ज्यादा रहे हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कोई कम रोल प्ले नहीं किया है इन वन नेशन वन इलेक्शन के साइकिल को तोड़ने में। यहां पर आपको जितना ब्लेम रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के टसल को देना चाहिए, उतना ही ब्लेम आपको यहां पर इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी देना पड़ेगा, क्योंकि इंदिरा गांधी का यहां पर इमरजेंसी का सीन तो 25 जून 1975 का आपको और मुझे बहुत डिटेल में पता ही है, क्योंकि उस पर हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो में डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं ब्लैक डे के नाम से। यहां तक कि 1957 में जब केरला बिकेम द वेरी फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया जिसने नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी को अपनी स्टेट गवर्नमेंट पर चुना था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1959 में स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा है इसका आरोप लगाकर वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया, जो आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी में डिटेल में चैप्टर दिया हुआ है। तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बेसिकली बहुत ज्यादा रोल प्ले किया है वन नेशन वन इलेक्शन को ब्रेक डाउन करने। तो ये
आज का सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं लेकिन आज की भारत की जरूरत भी है, क्योंकि 21st सेंचुरी, दिस 21st सेंचुरी एक्चुअली बिलोंग्स टू इंडिया, और ये वो वक्त है जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने डेवलपमेंट पर काम करें, क्योंकि हम लोग अभी पॉलिटिकली अवेयर तो हैं ही। इसमें एक और चीज यहां पर यह है कि इंडिया की 60% से ज्यादा पॉपुलेशन इज बिलो द एज ऑफ 35, दैट मींस इंडिया इज द यंगेस्ट नेशन ऑफ दिस वर्ल्ड। लेकिन ये जो बेसिकली यंगेस्ट नेशन का टैग है, ये हमारे पास बहुत ज्यादा दिनों के लिए नहीं है, सिर्फ 30 या 40 साल की बात है, क्योंकि ये पॉपुलेशन पिरामिड इस तरह से घूमेगा कि एक वक्त आएगा 2067 के बाद जब इंडिया की पॉपुलेशन में भी आपको डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा। तो ये वही टाइम है 2067 तक का, जब इंडिया के पास ये मौका है कि अपनी यूथ पॉपुलेशन को ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट करे, ना कि ह्यूमन बर्डन में कन्वर्ट करे, और इलेक्शन जो प्रोसेस होती है हर साल उसमें टाइम वेस्ट ना हो, एक ही बार में राज्य सरकार और केंद्र सरकार का चुनाव हो, और आने वाले 5 साल सिर्फ और सिर्फ सरकार एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और अपने यंगेस्ट यूथ के साथ मिलकर सिर्फ डेवलपमेंट का काम करे। अदरवाइज ये 21st सेंचुरी जो मौका हमें मिला है, शायद हम इसे भुना ना पाए। तो ये जो बेसिकली टॉपिक है, आपके पॉलिटी से तो रिलेटेड है ही, लेकिन गवर्नेंस और इंडियन सोसाइटी में भी आपको कहीं ना कहीं टच करेगा, और ऐसे राइटिंग में भी शायद आपको काम आ सकता है। और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट और डिटेल टॉपिक्स को अगर आपको आसान भाषा में समझना है, जो बेसिकली आपके यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और भी ईजी बनाएगा, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून्ड विद चहल एकेडमी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।